आपको सुन के हैरानी तो होगी, पर ये सच है कि फ्रेंड्स अब आप ऑडेसिटी के अंदर भी एआई का यूज कर सकते हैं, जिससे आप एक ही क्लिक में अपनी नॉइज को, मतलब आपके जो ऑडियो की नॉइज है उसे रिमूव कर पाएंगे। और सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑडियो है जिसके अंदर से आप वॉइस को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसकी वॉइस, वोकल और म्यूजिक दोनों सेपरेट हो जाएगा। और थर्ड फ्रेंड्स, आप एआई के थ्रू कोई भी म्यूजिक यहाँ पे फ्री में जनरेट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, आप ऑडियो को अपने किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर उसके अंदर कैप्शन लेके आ सकते हैं। ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आप देखेंगे ऑडेसिटी में मैंने अपना एक ऑडियो डाला है, जिसकी स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा नॉइज दिखेगी और उसके बाद मेरा वोकल स्टार्ट हो रहा है। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब। मैंने इस नॉइज को खुद ऐड करा है, वो भी एक्स्ट्रा नॉइज ऐड करिए चेक करने के लिए क्या ऑडेसिटी का एआई प्लगइन इतनी ज्यादा नॉइज को भी रिमूव कर पाएगा या नहीं। और अगर आप वेब होस्टिंग लेना चाहते हो तो 50% ऑफ में मिल रही है, और उसके साथ फ्री प्रीमियम थीम प्लगइन, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री बैकअप, बहुत कुछ मिलने वाला है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को जरूर देखें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत, तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। सबसे पहले आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, नहीं तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करके सारा आप सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट में जाएंगे और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल रही है। जैसे ही आप पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपने सेकंड वाली ऑप्शन नॉइज सेपरेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिल रही है। आप नॉइज सेपरेशन मॉडल दोनों ट्राई कर सकते हैं वन बाय वन, पर सबसे पहले मैं 2 के ऊपर क्लिक करूंगा और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आपका जो म्यूजिक है, यहाँ आपका जो ऑडियो है वो कितना बड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक क्लिक करा और मैंने कितनी एक्स्ट्रा नॉइज रखी थी, और उसके बाद चेक करते हैं क्या ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। यहाँ पर आपने देखा सिर्फ एक क्लिक के अंदर मैंने अपनी नॉइज को रिमूव कर दिया और मैंने हद से ज्यादा एक्स्ट्रा नॉइज ऐड करी थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्रेंड्स आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मतलब अपने ऑडियो को ट्रांसलेट कैसे करेंगे या फिर ट्रांसक्राइब, उसके आप टेक्स्ट को कैसे निकालेंगे। अब वो हिंदी लैंग्वेज में निकालता है, इंग्लिश में या इंग्लिश में, ये चेक करते हैं। मेरा ये ऑडियो जो है हिंदी लैंग्वेज में है। अब यहाँ से मैं एनालाइज के ऊपर क्लिक करूंगा और सबसे लास्ट ऑप्शन आ रही है विस्पर ट्रांसक्रिप्शन, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, मैंने अभी तक इसे सिलेक्ट नहीं करा तो आप इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें, नहीं तो कंट्रोल ए करके आप सिलेक्ट करें। फिर से मैंने उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ पे भी आपको देखेंगे कुछ ऑप्शंस मिल रही है, इनको एज इट इज रहने दे। अब ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं या ट्रांसलेट करना चाहते हैं, मतलब आप इसे किसी और लैंग्वेज में चाहते हैं तो ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है उसका आप टेक्स्ट चाहते हैं, तो आप ट्रांसक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑटो की ऑप्शन मिल रही है, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे जिस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। ऑटो पे मैं पहले ट्राई करके देखता हूँ और अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ऑटो में ये अपने आप डिटेक्ट करेगा कि मेरे इसकी लैंग्वेज क्या है। अगर अपने आप डिटेक्ट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे ऑटो की जगह वहां पे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसने नीचे उर्दू लैंग्वेज को ले लिया, जो मेरे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज करूंगा, फिर से एनालाइज में जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर से मैंने डबल क्लिक नहीं करा, एनालाइज पे गया, यहाँ पे क्लिक करा। अब इस ऑटो की जगह यहाँ से मैं हिंदी को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने हिंदी के ऊपर क्लिक करा और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है, इस टाइम में मत जाना, इससे भी कम टाइम में हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि आपके जो म्यूजिक की लेंथ है वो कितनी ज्यादा है। इसने फिर से उर्दू लैंग्वेज में ले लिया, मुझे लग रहा है ये हिंदी में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएगा, तो एक बार मैं इंग्लिश के ऊपर ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ से मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट करा और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में इसने कितनी जल्दी इसे ट्रांसक्राइब कर दिया और मुझे कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। अब यहाँ टेक्नो वेदांत चैनल था, इसने टेक्नोलॉजी ले लिया। अगर कुछ भी इस तरह का आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं और खुद मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसक्राइब की जगह आप ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट करा, एनालाइज पे गया, फिर से इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और अब इसे मैं ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद इसे हिंदी में मैं सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आप देखेंगे इसी के नीचे एक और मेरे पास ऑप्शन आ गई है और उसके बाद देखते हैं क्या ये इसे ठीक से ट्रांसलेट कर पाएगा या फिर से उर्दू में करेगा। ये बार बार इंग्लिश में ले रहा है, इसका मतलब अभी जो इसके अंदर ट्रांसक्राइब की ऑप्शन है या ट्रांसलेट की ऑप्शन है वो हिंदी में इतनी अच्छी नहीं हुई। हो सकता है आने वाली कुछ अपडेट में हो जाए। अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट फाइल में, तो डबल क्लिक करके आपने इसे पहले सिलेक्ट करना है,
फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट अदर पे। जैसे ही आप पॉइंटर लेके जाएंगे तो एक्सपोर्ट लेबल्स की आपको ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका ये TXT फाइल में सेव हो जाएगा। अब Audacity के अंदर मैं अपना एक म्यूजिक ट्रैक डाल चुका हूँ, एक बार मैं आपको सुना देता हूँ जिससे आपको समझना ईजी हो जाएगा। मैंने एक म्यूजिक यहाँ पे डाला है जिसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंटल मतलब म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है और प्लस आपको यहाँ पे वोकल भी सुनाई दे रहा है। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, मतलब वोकल अलग और इंस्ट्रूमेंटल अलग। उसके लिए आपने इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना, नहीं तो कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। इफेक्ट्स में जाना है और लास्ट वाली ऑप्शन पे ओपन वीनो AI इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमने नॉइस सेपरेशन का यूज करा था, अगर आपको याद हो उसी के ऊपर है अब म्यूजिक सेपरेशन, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। अब आप सिर्फ म्यूजिक को ही सेपरेट करना चाहते हैं वोकल से या फिर आप इन सबको सेपरेट करना चाहते हैं? मैं सिर्फ अभी म्यूजिक और वोकल को सेपरेट करना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करा और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया सिर्फ सिंगल सिंगल क्लिक करने ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल लिखा हुआ है और जैसे मैं और नीचे करूंगा तो यहाँ वोकल लिखा हुआ है, तो इसने वोकल को और इंस्ट्रूमेंटल दोनों को अलग कर दिया है। अब यहाँ से सबसे पहले जो ओरिजिनल म्यूजिक ट्रैक था उसको मैं म्यूट करूंगा और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल को भी मैं म्यूट करूंगा, सुनने के लिए क्या सच्ची में इसने वोकल को अलग करा है या बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक है। यहाँ पर अभी तक तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिला है। एक बार मैं वोकल को म्यूट कर रहा हूँ और यहाँ से इंस्ट्रूमेंटल को अनम्यूट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से प्ले करूंगा। मतलब आप म्यूजिक का यूज करके अगर आप एक अच्छे सिंगर है तो आप खुद गाना गा सकते हो और बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है। अब ये तो हो गया कि आपने म्यूजिक से कैसे वोकल और इंस्ट्रूमेंटल को सेपरेट करा है। अब आप AI से कैसे म्यूजिक जनरेट करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो भी ओपन है उसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको जनरेट का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है ओपन विनो म्यूजिक जनरेशन, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ से ड्यूरेशन आप सेट करेंगे जितना भी आप म्यूजिक जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद मॉडल को सिलेक्ट करना है, दो ऑप्शन मिल रही है, मैं यहाँ से फर्स्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। आप सेकंड वाली पे क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट देना है। अगर आपको म्यूजिक की नॉलेज है तो आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, नहीं तो ChatGPT का यूज करके आप प्रॉम्प्ट वहां से जनरेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अभी मैं इसी प्रॉम्प्ट को रहने दूंगा और नीचे आपको कुछ सेटिंग्स मिल रही है, इसमें मेरे ख्याल से आपको दूसरी ऑप्शन नहीं मिल रही। अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो वहां पे GPU की ऑप्शन आपको जरूर मिलेगी, आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हैं। मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स जो ये म्यूजिक होगा वो कॉपीराइट फ्री होगा, उसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया था उसके हिसाब से इसने मुझे म्यूजिक निकाल के दे दिया है। एक बार यहाँ से प्ले करके मैं देखता हूँ कि आप म्यूजिक सच्ची में अच्छा है या बोर है। '80s में इसी टाइप के म्यूजिक चलते थे, मैंने यहाँ पे 2024 नहीं करा है, या फिर कोई और प्रॉम्प्ट नहीं दिया। अगर आपके पास अच्छा प्रॉम्प्ट है तो फ्रेंड्स म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, अगर आप अपना प्रॉम्प्ट अच्छा डालेंगे तो और अच्छा म्यूजिक जनरेट करके देगा और आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अब इस प्लगइन का क्या नाम है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है और Audacity के अंदर कैसे एक्टिवेट करेंगे, यही सारी डिटेल्स अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके PC के अंदर Audacity इंस्टॉल नहीं है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। गूगल में जाके Audacity लिखना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड की ऑप्शन तो मिल रही है पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विदाउट माउस हब करें, क्योंकि माउस हब के लिए पहले आप माउस हब को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर Audacity की ऑप्शन आएगी, फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे, तो बेटर है आप बिना माउस हब के ही Audacity को इंस्टॉल करें। और ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्लगइन भी आप लेटेस्ट वर्जन में ही इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे Audacity का लेटेस्ट वर्जन है, उसके साथ ये प्लगइन काम करेगा, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लेटेस्ट वर्जन को ही इंस्टॉल करें। पेज को नीचे करेंगे यहाँ पे आपको प्लगइन की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोडिंग मेरी स्टार्ट हो गई। इन दोनों को मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इनको यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा। ये दोनों फाइल है, अब सबसे पहले आपने Audacity को जो डाउनलोड करा है उसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको यहाँ से यस कर देंगे और जो भी ऑप्शन आ रही है उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसे भी लॉन्च नहीं करना, आपने जो Audacity का AI प्लगइन डाउनलोड करा है उसको भी आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है।
सबसे पहले आप यस करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और यहाँ से कुछ ये फाइल्स को डाउनलोड करेगा। अब आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि इन फाइल्स को डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे ही ये डाउनलोड होगा उसके बाद आप इसे फिनिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे AI प्लगइन जो डाउनलोड हो रहा था वो सारी फाइल डाउनलोड हो गई। उसके बाद आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही AI प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से आपने इसे फिनिश करना है। अब इस प्लगइन को आपने एनेबल कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। नीचे सर्च में आपने ऑडेसिटी लिखना है और यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे। स्टार्टिंग में एक पॉपअप मैसेज आएगा, इसको आप ओके करेंगे, यहाँ से इसको भी ओके करेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे। अब यहाँ से आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है। सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको मिल रही है मॉड्यूल्स की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से पेज को नीचे करेंगे और आप देखेंगे अभी ये एनेबल नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने एनेबल करना है। ओके के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और एक बार ऑडेसिटी को यहाँ से क्लोज करें, फिर से यहाँ पे सर्च में जाए, ऑडेसिटी को आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमेशा आपके पास ये पॉपअप मैसेज आएगा। अगर आप इसमें से कुछ देखना चाहते हैं तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दें और जो वीडियो देखना है आप देख लें, नहीं तो डोंट शो के ऊपर टिक करके आप ओके के ऊपर क्लिक कर दें। इससे आपको ये पॉपअप मैसेज कभी नहीं आएगा और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।